मेरे को दरवाजे पर है, देख के आइए। यार बाबा मुझे कहते हैं मेरे से अच्छा चल ही जाए ना प्लीज, देख लें। अच्छा ना, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, वेट। ये कौन है? अबे तुम लोग कहाँ से आ गए? बस आ गए, सही आ गए। ऑफिस के काम से आए थे, फिर इधर ही आ गए। ओके, ये तो बड़ा रिस्पेक्टफाइड सरप्राइज हो गया। वाह यार, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बाप जी, चाची नाम आ गई। चाचू आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बस सरप्राइज दिया है भाई। मैम रेडी, ब्लॉग बनाने के लिए तैयारी कर रहा था, हम लोग निकल ही रहे थे। तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, जा रहे थे कुछ खाने पीने के लिए। और चले आओ बैठो, में तो हमारे खाने पीने, तो आओ बैठो, हम भी चलते हैं। ये कौन आ गया अचानक से? कुची इतनी कुची, तो तुम लोग किस किस रीजन से आयो? क्या मतलब अचानक से रात के 9:30 बजे? ना बताया ना कुछ। हम तो सुबह दोपहर में आए थे। गाड़ी से आयो कैसे? चले गए थे गाड़ी से, पर जहाज प्लेन से आयो? नहीं नहीं, भाईया रहे, भाईया रहे। पहले सुबह फ्लाइट थी, वो कैंसिल हो गई, मतलब हमसे मिस हो गई। फिर नया टिकट कराया, फिर हम आए। और और बस हम लोग निकलने ही वाले थे कि नुक्कड़ पे एंड टाइम पे कलनों से बचा। ये तो नसीब लेकर आता है। नसीब कौन सा लेकर आता है भाई? अब हम आएंगे निहारी परवाइश पे। हम लोग तो ऐसे निकल लेते, सड़क पे ट्रिप ट्रिप करने निकल लो। खाना खाने का टाइम है, आप निहारी भाई तो बढ़ गया। चलो मेरू चले, मेरू चाचू भी आ गए, आपके मामू भी एक साथ। कैसा फील कर लिए आप? आपको यकीन आ रहा है? खेलना शुरू हो गए भाई, खेलना मिलना सब शुरू हो गया। चलो फिर चलते हैं यार मेरे। चलो चलो, आओ तुम्हें निहारी खिलाऊं। आ जाओ आ जाओ। चले भाई, जद्दा से आए, जद्दा से ठंडे शहर में जो है ना छुट्टी गुजारने, वीकेंड गुजारने आए ये लोग। असल बात ये है, वहां पे असल में सुनने में आ रहा है कि बड़ी जो है वो जद्दा के अंदर जो है ना वो बड़ी गर्मी है, तो उन्होंने बात होती रहती है रोज, तो उनको बताता रहता था कि भाई रियाद में अभी भी ठंड है। मेरे ख्याल से जो है ना ये ठंड ठंड का मजा लुत्फ लेने के लिए आया ना भाई। इतनी गर्मी, अल्लाह। चलो आप एंजॉय कर लो, दो दिन यहाँ पे कुदरती एसी चल रहा है, घर गर्म है, बाहर ठंड है। आ जाओ गाइस, यहीं से हम लोग आज के ब्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं अपने। ये लोग अचानक से आ गए और वीकेंड है यहाँ पे आज, तो वसीम साहब ने की है फरमाइश निहारी की, तो इनको लेके चलते हैं निहारी खिलाने के लिए। और ऐसी निहारी खिलाएंगे इनको कि जिंदगी में इन्होंने कभी खाई नहीं होगी, ऐसी निहारी खिलाएंगे। यहाँ पे रोशनी थोड़ी कम है, ऐसी इनको निहारी खिलाते हैं अभी चल के, और पूछते हैं कि भाई इनका असल वजह क्या है इनकी एकदम से रियाद आने की, तो चेक करते हैं और चलते हैं। तो भाई आ जाओ और बताओ मुझे कि आना कैसे हुआ? तो सिर्फ क्या मतलब किस 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 वजह से? आप सही सही बता दो, बिल्कुल सही सही बता दो, बिल्कुल सही सही। नहीं नहीं, यहाँ पे एग्जीबिशन में आए थे ना। कौन सी? मेरी चप्पल तो बिग फाइव। बिग फाइव, तो आप एग्जीबिशन में आए थे, तो बस आपको सरप्राइज दे दी। कैसी रही प्रोग्रेस? किस किस्म की एग्जीबिशन थी? क्या करना आया था एग्जीबिशन पे? कंस्ट्रक्शन की हवाले थी, सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं, सो लॉजिस्टिक्स के हवाले था। आए थे कि अगर इनको कोई किसी को भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की मूविंग वगैरह की नीड हो। अच्छा, तो पास वगैरह ले गए थे, अपने बिजनेस स्टार्ट किए हैं।
अच्छा वापसी कब है? रियाद को मिस करते हो वहाँ पे जद्दा में? जद्दा की फील अलग है, कराची वाली फील आती है जद्दा में। हाँ ये तो है। और रियाद की ठंड मिस करते हो गए ना? रियाद की ठंड मिस करते हो गए? हाँ ये है, रियाद की ठंड मिस करते हैं। नासिर भाई तो इनको तो गर्मी में भी बोलते हैं यार ऐसी नहीं, यार ऐसी नहीं बोलो, ऐसी नहीं बोलो। भाई भी तो जाएंगे बाबा। और जद्दा के हालात कैसे हैं? सही है सब साइड? जद्दा हालात, जद्दा भी टूट टूट का शिकार है। तो आंखें तो तुम्हारी चौंधिया गई होंगी वापसी इतनी रोशनियां देख के। नहीं नहीं जहाँ तुम्हारा ऑफिस है तुम्हारी जगह अच्छी है। नॉर्थ जद्दा अच्छा था। नॉर्थ जद्दा की बात नहीं करें ना आप, ओवरऑल बात करें। ओवरऑल ओवरऑल जद्दा टूट रहा है सारा, नया बन रहा है। अंधेरा है ना, अंधेरा सीधे सीधे लगता है। फ्यूचर में दुबई भी अच्छा हो, दुबई भी क्या चीज है। कल किसने देखा है भाई? आजकल है बहुत तेज हो रहा है। भाई आपने कभी ऐसा रेस्ट देखा है कोई रेस्टोरेंट में सऊदी अरब में? कौन से बैग पे ऐसा रेस्ट देखा उन्होंने? और यहाँ पे निहारी खाने के लिए लोग टूटे पड़े। फरूज पे रेस्टोरेंट होता है? फरूज पे क्या हो, गवर्नमेंट होता है? सेटअप बहुत छोटा है, दो तो तीन टेबलों का सेटअप है। लेकिन आसिफ भाई को लेकर आ गए हम लोग निहारी खिलाने के लिए। आसिफ भाई ये बताइए कि आप क्या एक्सपेक्टेशन है? हम लोग तो एक है अली भाई आपके दोस्त, उन्होंने बोल दिया कि राई से ज्यादा अच्छी ले आ रही है। हम देखे तो राई से ज्यादा अच्छी है या नहीं है, उन्होंने हमको बहुत मजाक उड़ाया था। मैंने और फाद भाई ने बोला नहीं भाई राई से अच्छी नहीं हो सकती निहारी, राई से खैर अच्छी होगी भी नहीं लेकिन अच्छी हो जाए बहुत बड़ी बात है। वो भी सऊदी आई भाई आपने खाई नहीं है, खा के पता चल जाएगा। अच्छा क्या कहती है, क्या बोलती है? जाहिद से कंपेयर नहीं है लेकिन अच्छी है बहुत। फिर मॉल का ही फर्क पड़ता है थोड़ा, जाहिद वाला मॉल ना मतलब थोड़ा गंदगी हो, गंदगी हो थोड़े से, आगे पीछे आपके लोग घूम रहे हो। नहीं नहीं आप कंपेयर नहीं करें ना, आप खाली इसका रिव्यू दें। अभी आप सिर्फ कंपेयर नहीं करें, आप सिर्फ इसका रिव्यू दें। आपसे रिव्यू मांगे सऊदी के हिसाब से बेहतरीन नहीं आ रही है। बेहतरीन है सऊदी के हिसाब से? जासिम भाई क्या बोल रहे हैं? और इसमें इसका टेस्ट आ रहा था हड्डियों का और बूटे का जो आता है ना पाए वाला, जबरदस्त नहीं आ रही है, मजेदार। हरी वहरी खा के हो गए टाइट। अब हसीब भाई हमें पिलाएंगे चाय, चाय पिलाएंगे हसीब बाट। फालूदा खिलाएंगे? फालूदा? ओह अच्छा, चलो फालूदा भी खिला देना, चाय भी पिला देना। भाई कॉफी आ गई है हमारी और इन सब की चाय आ गई है, एंजॉय कर रहे हैं बैठे। एंजॉय कर रहा हूँ इनके साथ जो ब्लॉग पर आ रहे हो, उनके साथ प्रैंक हो गया हॉट चॉकलेट के नाम पे। मत करो रन लो, रन लो, बहुत बुरे लग रहे हो। नहीं नहीं हॉट चॉकलेट वाकई हॉट चॉकलेट है आपका, मैं खोल के दिखा सकता हूँ कि ये जो है ना बड़ी शानदार हो रही है इसको हॉट चॉकलेट। और ये इन लोगों की चाय आ गई है कड़क। तो दोस्तों यहीं पे हम लोग अपना व्लॉग का जो है वो अब तक अख्तितम करते हैं, एंड करते हैं। और बहुत मज़ा आया इन लोगों के शॉर्ट ट्रिप के ऊपर, इन लोगों ने हमें ज्वाइन किया वीकेंड के ऊपर और खाना वाना साथ खाया। आसिफ भाई की फरमाइश पर हमने बेहतरीन किस्म की निहारी खिला दी। तो आसिफ भाई निहारी तो बेहतरीन थी ना, कोई शिकायत तो नहीं है आपको? सऊदी के हिसाब से बहुत अच्छी निहारी। सऊदी के हिसाब से क्या मतलब है आपको? सऊदी में पाकिस्तान की बहुत मजा आया, ब्रज के बिल्कुल मंड के खाई है हमने निहारी। उसके बाद जो हम लोगों ने कहा कि थोड़ा सा यार वो जो फैट वगैरह चला गया अंदर उसको थोड़ा सा हम गर्माए, तो हमने चाय वाय कॉफी वॉफी मंगा ली है, चाय वाय पी के जो है वो घर जाएंगे वापस। और ये लोग भी काफ़ी थके हुए हैं, फ्लाइट वगैरह लेकर आए हुए, तो ये लोग भी जाके सोए हुएंगे। तो
आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम सपोर्ट दिखाएं अपनी, ताकि हम और अच्छा अच्छा जो है आपको कंटेंट जो है वो दिखाएं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं आप लोगों के लिए। तो फिर आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं अगले व्लॉग तक के लिए, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Yeah, let's see how you do under pressure. Oh.